हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में छोटा सा बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलें। तो आज मेरा काम जल्दी फिनिश हो गया है, तो मैं सोच रही क्या करूं। तो मेरे पास एक मेहंदी की कीप रखी हुई थी, तो मैंने बस आज वैसे ही मेहंदी लगा ली। मेरा मन कर रहा था, बट मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मेहंदी लगाने में, फिर भी मैंने मेहंदी लगा ली। अभी देखो मेरी बेटी परेशान कर रही है मुझे। ये देखो मेहंदी, मेहंदी लगाए हुए के ऊपर भी मेहंदी लगा रही है मेरी बेटी। नो, पापा के लगा दो जाओ। तो ये अपने पापा के पास गई है मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं इतनी एक्सपर्ट तो फिर भी नहीं हूँ, बट जैसी मुझे आती है मैंने वैसी मेहंदी लगाई है। और साथ में मेरी बेटी सारे कपड़े इसने मेहंदी से कर लिए, अपने पापा को मेहंदी लगा रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक्सपर्ट लड़की मेहंदी लगा रही है अपने पापा के। ये देखिए कितना प्यार करती है अपने पापा से मेहंदी। और इसको देखो कीप पकड़ना भी आता है बहुत। देखो कितने अच्छे से कीप पकड़ा हुआ है, कैसे दबाते भी हैं। पता नहीं इसने कहाँ से सीखा है, हमने तो सिखाया नहीं, शायद देखा होगा इसने मेहंदी लगाते हुए। ये देखिए कितना बस ऐसे ही घचड़ पुचड़ कर रही है, पता नहीं क्या अपनी धुन में लगा रही है मेहंदी। अपने भी लगा लो। अच्छा पापा को बिंदी लगा रहे हो, पापा को बिंदी लगा रही है ये। रात के अभी 10:30 बज रहे हैं, तो बस नींद। हाँ पीहू ने भी मेहंदी लगाई है। अभी पीछे वो हरियाली तीज जो फेस्टिवल था वो भी गया ना, तो मेरी सिस्टर आई थी लगाने के लिए मेहंदी, तो शायद उसने उसी का देखा होगा पीहू ने मेहंदी लगाते हुए। तो उसको पीहू को दिमाग में याद है कि हाँ कैसे मेहंदी लगाते हैं, तो उसी हिसाब से ये कीप पकड़ रही है। मेरी बेटी का स्टाइल देखो बैठने का, कितने प्यार से बैठी हुई है और कितने लगन से मेहंदी लगा रही है अपने पापा के हाथ में। सारी लगता सारी कीप ही खाली कर देंगे अपने पापा के हाथ में ही। ये थोड़ी सी मेरी कीप बची हुई थी हरियाली तीज की, तो मैंने सोचा चलो यूज़ कर लेते हैं। और मेरी बेटी सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही है अपने पापा के हाथ में मेहंदी। इसने अपने पापा को उठा के कहती मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ। तो ये देखो मेहंदी लगा रही है अपने पापा के हाथों में, कितने मज़े से लगा रही है। आप भी लगा लो। मैं पापा मेहंदी है। अच्छा पापा को मेहंदी लगा रहे हो। अच्छा देखते हैं मेहंदी का रंग कैसा चढ़ेगा, सुबह पता चलेगा मेहंदी का रंग कैसा चढ़ता है। तो जैसा भी चढ़ेगा मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी मेहंदी का रंग अपनी। और इसमें एक कमी है, अपने पति देव जी का नाम नहीं लिखा, तो वो अपने बेटी से कीप लेके तो नाम लिखूँगी इसमें। अभी मेरी बेटी के पास कीप है, ये अपने पापा जी को लगा रही है मेहंदी। सारा हाथ इसने मेरे पापा का ख़राब कर दिया है, और इनको ऑफिस भी जाना है, इनके ऑफिस वाले पता नहीं क्या बोलेंगे मेहंदी लगाई है। बेटी के आगे पापा को हार तो माननी पड़ती है, अब बेटी है तो बस अपनी बेटी के हाथों से मेहंदी लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से सेकेंड टाइम मेहंदी लगा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने अपनी मैरिज में लगाई थी, सेकेंड टाइम अब लगा रहे अपनी बेटी के हाथ से। कीप ले ली और मैंने इनका नाम भी लिख लिया है अपने हाथों में, और अपना भी नाम लिखा है, क्योंकि मेहंदी में जब तक पिया जी का नाम ना हो तो मेहंदी वो अधूरी होती है। तो इस वजह से मैंने अपने पति देव जी का नाम लिखा है और साथ में अपना नाम लिखा है। और ये देखो मेरी बेटी कितनी शैतानी कर रही है पीछे खड़ी होके मेरे साथ। क्या हुआ बिट्टू को? अच्छा मेहंदी लगाओगे, ये रो लगा लो। किसको लगाओगे? पीहू को लगा। पीहू किसको लगाएगी मेहंदी? अच्छा हाथ में लगाओगे। अच्छा अब अपने आप को लगाएगी मेहंदी, पापा के इसने मेहंदी लगा दी है। मैं आपको इनका हाथ दिखाती हूँ कैसे इसने धमाल मचाया इनके हाथ में। ये देखिए कितना धमाल मचाया अपने पापा के हाथ में। अब मैं इनको बोल देती धोने के लिए, इनको ऑफिस भी जाना है। अच्छा नहीं लगता ऐसे ऑफिस जाएंगे तो हाथ में कलर चढ़ा होगा। क्या धमाल मचाया अपने हाथ में मेहंदी से, अपने आप ही इसने मेहंदी लगाई है। ये देखिए गाइस ये दूसरे हाथ में भी, जाओ हाथ धो के आओ, जाओ जाओ। अच्छा मेहंदी बेटी गई है हैंड वॉश करने, और ये मेरी हाथ की मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। आज मेरा मन कर रहा था मेहंदी लगाने का, तो इस वजह से मैंने आज मेहंदी लगाई है अपने हाथों में। कितने मज़े से बैठी है यहाँ पे। हेलो बोलो। हेलो जय कर दो। जय जय हिंद। तो गाइस गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। अब मिलते हैं मॉर्निंग द नेक्स्ट डे।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो बस अभी उठे हैं हम और साथ में मेरे हाथ में झाड़ू है, अभी झाड़ू लगाऊंगी। और आज है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। आप सभी ऑडियंस को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और साथ में आज हम फहराएंगे झंडा अपने घर घर में, मतलब वो इसलिए अभी जो अभियान चल रहा है हर घर तिरंगा, तो उसी के उपलक्ष्य में हम अपने घर में झंडा फहराएंगे। तो आप सब भी मेरे साथ बने रहिए, तो आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये देखिए गाइस, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह सुबह का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है झाड़ू लगाना। सबसे पहले उठते ही मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, और तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद फिर हम पीते हैं गरम गरम पानी, मैं और पतिदेव जी। पानी गरम होने के लिए रख दिया है मैंने। अब हम पियेंगे गरम गरम पानी, मतलब हॉट वाटर। सुबह सुबह गर्म पानी पीने का फ़ायदा बहुत होता है। और ऊपर से आज मैं इंडक्शन चूल्हे में पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि रात को हमारे जो पड़ोस वाले हैं ना, वो सिलेंडर मांग के ले गए। शायद उनका सिलेंडर ख़त्म हो गया होगा रात को, तो हमने उनको दे दिया। तो मैंने कहा कि चलो हमारे पास इंडक्शन चूल्हा है, हम तो इसमें भी काम कर लेंगे। तो फिर अब मैं इंडक्शन चूल्हा में कर रही हूँ पानी गर्म। तो हम नहा धो के फ्री हो गए हैं, और साथ में जो हर घर तिरंगा बना जो मुहिम चल रही है, वो भी हमने कार्य अपना पूरा कर लिया है। हमने अपने घर में तिरंगा लगा लिया है, और तिरंगा लगाने के टाइम में जो फीलिंग आई है बहुत अच्छी फीलिंग आई है। तो थोड़ा छोटा है डंडा, क्योंकि हमें ना ज़्यादा बड़ा डंडा मिला नहीं, तो इस वजह से मतलब फिर भी बहुत अच्छा लगा करने में, लगाने में झंडा हमें। और सबने बहुत इंजॉय किया, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने भी। वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई वो उस चीज़ का, कि मेरी बेटी ने फ़ोन ले लिया था मेरे से, इस वजह से। तो फीलिंग बहुत अच्छी है। और जब हम अपने मम्मी पापा के घर जा रहे हैं, तो रास्ते में ये देखो हर घर तिरंगा अभियान वाले लोग ढोल बजा के, नगाड़े बजा के सबको जागरूक कर रहे हैं, अपने अपने घरों में तिरंगा लगाओ, और साथ में दे भी रहे हैं ये सबको तिरंगा। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। और जहाँ भी मेरे पति देव जी का ऑफिस है, वहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। Later. तो मैं अपनी मम्मी के घर में आ गई हूँ, और मेरी बेटी आते ही धमाल मचा रही है। इसका फेवरेट सॉन्ग है हर हर शंभू, तो उसी में डांस कर रही है। अपने नाना जी के पास आई हुई है, ये देखो वाला गाने की जगह कर रही है। शंभू शंभू कौन सा गाना लगाओगे? हर हर शंभू शंभू वाला गाना देखोगे? इसके लिए शंभू वाला गाना लगाया जाए। अभी लगाएंगे शंभू वाला गाना, ठीक है? देखो पापा जी आराम से लेटे हुए आपके, गाना लगा दो शंभू इसका। उन्होंने पिछे लगाई भी, देखो मेरे मुंह की पिछे लगाई इसने, देखो लेके मुझसे। अपनी लिपस्टिक दिखा दो सबको, इधर आओ लिपस्टिक दिखाओ। फिर कहाँ लगाई है पित्ती? पित्ती लगाई है उन्होंने, अच्छी है पित्ती। अभी लगाएंगे शंभू, अभी लगाएंगे। डांस करेगी पीहू का गाना लग गया है, अब पीहू डांस करेगी। पीहू डांस करो, आ गया। क्या खा रहे हो? मुझे को दोगे? दे दो पीहू, दे दो। तो अब हम अपने घर आ गए हैं, और पीछे पीछे मेरा बेटा भी आ गया है स्टेडियम से, मतलब ये क्रिकेट खेलने गया हुआ था, तो अब आ गया है स्टेडियम से।
तो अब देखो कितना भारी इसके कंधे में बोझ है। कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसलिए इसको हमने क्रिकेट में लगाया हुआ है। अच्छा खेल लेगा। और मेरी बेटी देखो भैया के आने से कितनी खुश हो रही है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ।